हेलो जी, 2 साल गुजरने के बाद आखिरकार कॉलेज खुल चुकी है। तो इन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ, उन सभी सभी भावनाओं को हमने छोटे से वीडियो में दिखाया है, तो देख लीजिए। हाँ तो जरा बात है 2 साल पहले की, जब हम घर आए थे कॉलेज से होली की छुट्टियाँ मनाने। कई 5 दिन की छुट्टियाँ थी, कब खत्म भी हो गई और पता भी नहीं चला। तो बस हम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी पता नहीं एक अनजाना सा नाम लोगों की जुबा पर आने लगा। This is big breaking news coming in, and this is very, very worrying. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। तो फिर अब कॉलेज से नोटिस आ गया, योर क्लासेस हैव बीन पोस्टपोन्ड फॉर 15 डेज। वैसा अब इस नोटिस ने उस दिन खुशी तो बहुत दी थी, लेकिन क्षणिक थी। और इस क्षणिक खुशी का इजहार हम रोज कोरोना केसेस इन इंडिया टुडे सर्च करके करते थे, पर अब केसेस बढ़ रहे थे, नौबत लॉकडाउन तक आ चुकी थी और देश पूरा बंद हो चुका था। तो हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गई। अब शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस लगाने का एक्साइटमेंट तो था और लगाए भी, पर बाद में धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम हो गया। हाँ तो अब कोरोना अपने पीक पर था, धीरे धीरे केसेस कम होने लगे और तभी कॉलेज से मेल आया कि वैक्सीन लगवा लो। तो इस उम्मीद में शायद कॉलेज रीओपन होगा, हम कूद पड़े मास्क लगाकर वैक्सीन की लाइन में। पर इन उम्मीदों पर पानी फिर गया जब कोरोना की सेकंड वेव ने तबाही मचा दी और पूरा देश कोरोना से जूझने लगा। और अब तो लगने लगा था कि हमारी डिग्री भी PDF बनाकर मेल कर दी जाएगी, पर जना बुरे वक्त के बाद शायद अच्छा वक्त आता है। तो अब कोरोना की सेकेंड वेव जा रही थी, धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक हो रहा था, तो हमारी कॉलेज के अनलॉक होने का भी फरमान आया और फिर हम चल पड़े दोस्तों के साथ कॉलेज की राह पर। पर जैसे ही कॉलेज पहुंचे, कॉलेज से नोटिस आ गया ऑनलाइन क्लासेस का फिर से। तो थर्ड वेव आ चुकी थी, अब मूड तो खराब हुआ पर जाने दिया, क्योंकि कोरोना था, कौन पंगा लेगा। और आ गए वापस घर।